हेलो एवरीवन, आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल में एक नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे गिवन डेटा का यूज करके हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के हेल्प से इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गिवन मिक्सचर कंसिस्ट ओनली ऑफ प्योर सब्सटेंस एक्स एंड प्योर सब्सटेंस वाई। द टोटल मास ऑफ मिक्सचर इज 3.72 ग्राम। द टोटल नंबर ऑफ मोल, ये मिक्सचर का मोल है, मोल इज 0.06। इफ मास ऑफ वन मोल वाई इज 48 ग्राम एंड देर इज 0.02 मोल ऑफ एक्स इन द मिक्सचर, व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एक्स। और यहां पे ऑप्शन आपके पास है 90 ग्राम, 75 ग्राम, 45 ग्राम एंड 180 ग्राम। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को लिखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या दिया गया है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में जो सबसे पहले गिवन डेटा है तो उस गिवन डेटा को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है इसमें, तो बोल रहा है कि आपके पास मिक्सचर है, यानी बोल रहा है कि जो आपका मास ऑफ एक्स है और प्लस जो हमारा मास ऑफ वाई है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, डेट इज 3.72। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे याद रखिए कि हम जब भी मोल का फॉर्मूला लिखते हैं मास के टर्म में, तो आप लिखते हो गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। ये हम लोग लिखते हैं मोलर मास, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे मास निकालना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, मास निकालना चाहते हैं, जिसको हम लोग ग्राम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मोल इंटू मोलर मास, इंटू मोलर मास। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर मैं इस मास को मोल के टर्म में अगर लिखूं, तो इस मोल के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मोल ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ वाई इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई, और ये वैल्यू हमारे पास कितना है, 3.72 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका जो मोल ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, ठीक है, ये गिवन है, ये आपको दिया गया है 0.06। तो आप मोल ऑफ एक्स भी यहां पे गिवन है 0.02, तो क्या आप मोल ऑफ वाई नहीं निकाल सकते। तो मोल ऑफ वाई अगर हम निकालें तो मोल ऑफ वाई हो जाएगा 0.06 माइनस 0.02 और यहां पे वैल्यू आ जाएगा 0.04। और देखिए इसका मोलर मास, एक मोल का मास ऑलरेडी गिवन है और ये मोलर मास कितना दिया हुआ है, 48 ग्राम। तो आइए अब इस फॉर्मूले को यहां पे हम पुट करते हैं। तो देखिए यहां पे मोल ऑफ एक्स कितना दिया गया है, 0.02, ठीक है, और इनटू हम यहां पे इसको एक्स ले लेते हैं, प्लस मोल ऑफ वाई हमारे पास आ गया 0.04 और इनटू इसका मोलर मास कितना है, 48 है, और ये वैल्यू आ गया 3.72। तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.02 एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.92 आएगा वैल्यू, और इधर करिएगा ये आ जाएगा इतना, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, 0.02 एक्स इक्वल्स टू 3.72 माइनस 1.92
और इसको 0.02x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1.8 ग्राम। तो x इक्वल्स टू कितना वैल्यू हो जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.02, और आपका वैल्यू आ जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज 90 ग्राम। तो हम क्वेश्चंस को पहले समझेंगे और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और मोल का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया और जो भी डेटा दिया है उसका इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दिया हुआ है उसके थ्रू हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। तो इसका आंसर हमारा आ गया कितना, 90 ग्राम।